नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो कनाडा पर्टिकुलर सितंबर इंटेक की बात करेंगे। अब सितंबर देखिए ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो अभी के लिए सिचुएशन क्या है उसके बारे में वीडियो रहेगी, क्या सिनेरियो है, कैसे कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, सो सारी डिटेल डिस्कस करेंगे। क्यूबिक वाले बच्चों की भी बात करेंगे, क्योंकि मैं नॉर्मली ये वीडियो वीकली एक वीक के बाद लाता रहता हूँ, ताकि जो करंट सिनेरियो चल रहा है आपको उसका प्रैक्टिकल क्या इन्फॉर्मेशन है वो आपको पता चल सके। काफ़ी लोगों को ये ऑलरेडी भी पता हो सकती है। सो चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए नंबर वाले इनटेक की अगर सिचुएशन की बात करें, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी जिक्र किया था कि वो बच्चे जिनकी क्लासेस सितंबर एंड में हैं उनके पास टाइम है रिजल्ट वेट करने का। लेकिन अभी जो मेरी एडवाइस है कि अभी कोई बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा, क्योंकि आप भी समझते हैं कि ऑलमोस्ट सितंबर के 8-9 दिन बाकी बचे हैं, तो उसमें भी वर्किंग 5 से 6 दिन ही निकलेंगे। तो अभी आपके पास कुछ ज्यादा टाइम नहीं बचा कि सितंबर के रिजल्ट की वेट करें, स्पेशली जिनकी भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं। हालांकि अभी काफी कॉलेजेस है जो ऑनलाइन ऑप्शन दे रहे हैं, इवन एम्बेसी की भी आपको ध्यान में तो अपडेट आ चुकी है ऑलरेडी कि आप बिना अप्रूवल के, बिना किसी डिसीजन के अपनी क्लासेस लगा सकते हो। लेकिन एक यहाँ पे उन्होंने ये नहीं लिखा कि आपकी फीस रिफंड कौन करेगा, वो कॉलेज ही करेगा, ये आपकी और कॉलेज की बात है। तो एम्बेसी को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्लासेस लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे, तो यहाँ पे सेफ रहने की जरूरत है रिफंड पॉलिसी चेक करके। प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं, स्टिल सितंबर के रिजल्ट आ रहे हैं ठीक ठाक स्पीड के साथ। कोई दुनिया जहान के ऐसे नहीं कह सकते कि डेढ़ों हजारों पीपीआर डेली बेसिस पे आ रही। चाहे आप प्रैक्टिकली अगर देखें, आप काफ़ी ग्रुप में होंगे, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि देखिए रिजल्ट जो स्पीड चल रही थी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड, उस बिहाफ से आ रहे हैं। सो कल रात को भी कुछ रिजल्ट आए, आगे भी आते रहे, क्योंकि रिजल्ट थोड़ी रोके हैं वैसे ही, रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, वीज़ा स्टैंपिंग भी हो रही है, अब बच्चे ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो ये तो चल रही है। अब टाइम फ्रेम जो आप बार बार पूछते हो, मुझे हर वीडियो में कमेंट आते हैं कि इतने टाइम से फाइल लगाई अभी तक रिजल्ट नहीं है। देखिए इसका आंसर किसी भी कंसल्टेंट के पास आपको एक्यूरेट आंसर नहीं है। एम्बेसी रिजल्ट दे रही है, आप जो कर सकते हो अब उस चीज़ को देखिए आप क्या कर सकते हैं। अगर डेफर कर चुके आप, डेफरमेंट का प्रूफ लगा देना, अभी नहीं लगाया तो अक्टूबर स्टार्टिंग में ही लगा देना, क्योंकि अभी किसी से नहीं मांगा, अक्टूबर से मांगना स्टार्ट कर लेंगे तो अक्टूबर स्टार्टिंग से लगा लो। अगर आपका अप्रूवल आ चुका है, बिना सोचे समझे क्लासेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वीज़ा स्टैम्पिंग टाइम ले सकती है, लेकिन आप इसी इनटेक में चले जाओगे। अभी कुछ कॉलेजेस ने बच्चों को जो था डेफरमेंट को लेके भी मना कर दिया था कि हमारे पास अगला सितंबर ही अवेलेबल है, तो उनको मैं ऑलरेडी एडवाइस दे चुका हूँ। जो नए जुड़े हैं, आप देखिए अगर फाइल वैसे में लगी हुई है, DLA चेंज करने की सोचते हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि मेरी नॉलेज में बहुत से बच्चे ऐसे नहीं हैं, मेरी नॉलेज में मैं ऐसे आपको बच्चे गिना नहीं सकता कि देखो हजारों बच्चे ऐसे थे जिन्होंने DLA चेंज किया और रिजल्ट आ गए, इनिशियल फेज पे आए, तो उसके बाद ये प्रोफाइल को कॉम्प्लिकेटेड ही करेगा। एक DLA को लेके आप स्टेटमेंट दे चुके हैं, कोर्स को लेके बता चुके, तो ज़्यादा चेंजेस करोगे तो और दिक्कत होनी है। अब क्यूबी की सिचुएशन का क्या है, देखिए क्यूबी के जितने भी कॉलेज लिस्ट में हैं, मैक्सिमम कॉलेज की PPR आई, अभी भी बहुत की पेंडिंग है। जी हाँ, अभी भी बहुत की पेंडिंग है, लेकिन काफ़ी कॉलेजेस की आनी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें कोई तेज स्पीड नहीं आने वाली। अगर तुम ये सोच रहे हैं कि बड़ी जल्दी क्लियर हो जाएगा, काफ़ी हद तक हो रहा है क्लियर साइड बाय पे, चाहे वो अलग बात है कि रिफ्यूज़ल ज़्यादा आए कि वीज़े ज़्यादा आए, लेकिन जो मेरी नॉलेज में जो ये 10 कॉलेजेस है, उसमें से काफ़ी कॉलेजेस के रूटीन बेसिस पे, एक दो को छोड़ दो तो कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज की रूटीन बेस के ऊपर जो PPR है वो आ रही है। कंपैरिजन में मत पढ़ना, फिर आप निराश होंगे क्यूबिक वाले, क्योंकि कंपैरिजन आप इसमें नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ कनाडा वेरी ओबेस, ज़्यादा एप्लीकेशन रिजल्ट ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन क्यूबिक के रिजल्ट ठीक ठाक आ रहे हैं, लिमिटेड वे में ही PPR आ रही है। आई एम श्योर काफ़ी बच्चे को क्यूबिक के ग्रुप भी बने होंगे, उनको भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा कोई PPR क्यूबिक की जो नहीं है, चाहे कोई कह रहा है कि बहुत आ रही PPR, तो ऐसा नहीं है। तो सेम सिनेरियो दूसरी तरफ है, लेकिन क्यूबिक वालों का थोड़ा सा पेशेंस और चेक हो रहा है, तो यहाँ पर चल रहा है। उम्मीद तो यही है कि जो ऑनलाइन तो चलो 10-11 वीक टाइम आ रहा है कि आगे चल के वैसे फास्ट अप करें प्रोसेस, हालांकि अभी तक किया नहीं है, रिजल्ट ऐसे ही आते रहने, बी प्रिपेयर फॉर दैट। और जो जनरल इनटेक वाले पूछ रहे हैं रिजल्ट का, मैं किसी अगली वीडियो में बता दूंगा, लेकिन स्टिल अभी के लिए मैं कह दूंगा हैव सम पेशेंस। अभी सितंबर बेचारे खत्म नहीं हुए, तो जनवरी की बात अभी थोड़ा रुक के करेंगे, तो अक्टूबर ऑनवर्ड आपको जनवरी के मैं सिनेरियो बताता रहूंगा। अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो स्टिल जो डेफर करना चाहते हैं वो अपना डेफर कर लें, अब शायद डेफरमेंट ना मिले। जनवरी का एडमिशन बहुत कम टाइम, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 8-10 दिन की बात है, तो एज सून एज पॉसिबल अपना जनवरी का कनाडा का एडमिशन अप्लाई करना है तो कर लें। नोवा स्कोशिया की तरफ जरूर ध्यान दें, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सक्सेस रेट में अच्छा खासा डिफरेंस है। तो आज के लिए इतने दोस्तों, नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।